हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो फिर से मार्केट के अंदर चल रहा है कि पायल पाटिल की अनकट लाइव वीडियो आया है। तो ससमे के अनकट लाइव वीडियो आया है और जो वीडियो आया है वो ससमे पायल पाटिल का ही है। तो इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों, पायल पाटिल एक ऐसा एक्टर है जिसकी इंट्रोडक्शन के अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है, क्योंकि उल्लू की कुछ वेब सीरीज़, दूसरा OTT प्लेटफॉर्म के अंदर भी पायल पाटिल की बहुत सारा वेब सीरीज़ देखने को मिला है। और वो सारे वेब सीरीज जैसे आमरस हो गया है, सेक्रेटरी हो गया है, वेब सीरीज, ये सारे वेब सीरीज के अंदर पायल पाटिल की इतना जबरदस्त लेवल की सीन सस्पेंस देखने को मिला था, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच में उसके एक अलग से पहचान बन गया है। और इससे पहले भी पायल पाटिल की एक अनकट वीडियो आया है, इसकी न्यूज चल रहा था या अफवाह चल रहा था, कुछ भी बोल सकते, लेकिन उस वीडियो के अंदर भी पायल पाटिल की कोई फेस देखने को नहीं मिला था। तो कंफर्म तरीके से तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पायल पाटिल की लाइव वीडियो है, वो दूसरा किसी भी हो सकता था। और अभी फिलहाल मार्केट के अंदर भी फिर से चल रहा है कि एक टेलीग्राम चैनल या कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर ये न्यूज़ चल रहा है कि पायल पाटिल की अनकट वेब सीरीज चाहिए, तो डायरेक्ट आप DM कर सकते हो या पैसा भेजो, उसके बाद हम उससे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसका कोई डेमो भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जो चल रहा है मार्केट के अंदर या अभी जिस तरह से ज़माना बदल गया है, तो उसे हम कुछ भी देख के ट्रू बोल के बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी AI की ज़माना है, जिसकी वजह से हम कोई भी इंसान किसी की भी फेस को यूज़ करके वो कुछ भी वीडियो बना सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाहते हो आप लोगों को शायद समझ में आ गया है। तो दोस्तों, ये जो पायल पाटिल की वीडियो के बारे में बात चल रहा है, ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये सच बात नहीं है। अगर आप डायरेक्ट पायल पाटिल की जो ऐप है उसके अंदर जाके देखोगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से इस तरह से जिसका अंदर कोई डेमो नहीं है, डायरेक्ट बोल रहा है कि पैसा भेजने के बाद ही प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अंदर फेक होने की बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। AI से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी दोस्तों।